रहा हूँ मैं भूखा रहने लगू नहीं सर मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। 12 साल की जी। हाँ 12 साल की कंटेमिनेशन ओसीडी 2 दिन में हो जाएगी ठीक। अर्जुनी जी आए हैं हस्तिनापुर से, इनको ये कंटेमिनेशन ओसीडी की प्रॉब्लम है। इनके लक्षण बहुत सारे हैं, 12 साल में इनका बहुत नुकसान हुआ है, वजन भी चला गया, मन भी चला गया, बहुत से इनके और भी अवसर मिस हुए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं पहले कि इन्होंने जिंदगी में ओसीडी के कारण क्या क्या खोया है और क्या क्या है इनके लक्षण। अर्जुनी जी, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद इस बात की कि आप ऑफलाइन इलाज लेने पहुंचे। बहुत कम लोग होते हैं जो आप जितनी हिम्मत कर पाते हैं और ऑफलाइन इलाज लेने 2 दिन के लिए पहुंच पाते हैं। और दूसरी मुबारकबाद ये कि आप ठीक हो जाएंगे। जी सर। तो अब आप अपने विषय में बताइए कि कैसे ओसीडी की शुरुआत हुई और क्या क्या इससे आपके नुकसान हुए। सर ओसीडी तो अपने आप ही स्टार्ट हो गई, समझ में नहीं आया। धीरे धीरे सबसे पहले मैंने साबुन अलग किया अपना, फिर अपने कपड़े अलग किए, फिर अपना खाना पीना अलग किया, फिर नहाना धोना मतलब सब चीज, बाथरूम वगैरह सब चीज अलग ही अलग कर लिया। अच्छा। मतलब घर में एक तरीके से कैद कर लिया अपने आप को। अच्छा। सारी प्रॉब्लम ऐसे ही धीरे 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 बढ़ती गई। रिपीटेड बार बार हैंड वॉश करना, किसी चीज को टच कर लिया बस हैंड वॉश करो, किसी चीज अच्छा, किसी भी चीज को टच कर लो, किसी भी चीज को, चाहे वो खाने की हो पीने की हो A to Z कोई भी चीज हो। हाँ। बस टच कर लिया, मतलब मुझको ये मन है इस चीज से किसी ने गंदे हाथ लगाए, अब मैंने लगा दिए तो मेरे भी गंदे हो गए, मुझे धोना पड़ेगा। आपके मन में ये विचार फंस जाता है कि सामने वाले के हाथ गंदे थे। हाँ, अब चीज गंदी होगी, चीज गंदी हो गई और मैंने हाथ लगा दिए तो मेरे हाथ भी गंदे हो गए, गंदे हो गए और मैं जिस चीज को छूंगी वो चीज गंदी हो जाएगा। ये एक पैटर्न दिमाग में सेव हो चुका है। सेव जी। आगे मुझे अपने मैं खुद भी अपने आप को गंदी लगती हूँ सर। अच्छा, आप में खुद में क्या गंदगी नजर आती है? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अगर मेरा हाथ मैंने इससे लगाया और फिर मैंने अपने चेहरे पे लगा लिया, मेरा चेहरा गंदा हो गया, मेरे कपड़े गंदे हो गए, मैं इस सोफे पे बैठ गई, सोफा गंदा था, मैं इस पे बैठ गई, मेरे कपड़े गंदे हो गए, मैं भी गंदी हो गई, मतलब बस यही विचार आते हैं ओनली बस। अच्छा, इसमें एक बात बताइएगा कि ऐसा लगता है कि मैं गंदी थी इसलिए सोफा गंदा हुआ या सोफा गंदा है इस कारण से मैं गंदी? नहीं नहीं, सोफा गंदा था पहले से। अच्छा, पहले से चीजें गंदी है और उससे मैं गंदी हो जाऊंगी? मैं गंदी हो जाऊंगी, अब मैं जैसे नहा धो के निकलूंगी तो मैं किसी चीज को टच नहीं करूंगी जल्दी से, पहले ढंग से अपने कपड़े पहनने के बाद ऐसा लगता है किसी से टच ही ना हूं, इससे भी टच ना हूं, अगर इससे मेरा हाथ टच हो गया, मेरे कपड़े टच हो गए, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। हाँ। किसी से टच ही नहीं होती, मतलब हवा में तो मैं रह नहीं सकती ना। कोशिश तो कर सकते हैं, ओसीडी वाले अवॉइड जरूर करते हैं, जहां जहां टच होने की संभावना हो उन्हें छोड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अवॉइड तो सर मैंने इतना चीज कर दिया कि जैसे मुझको नहाने में 4 से 4, 5 घंटे लगते ना, तो मैंने पहले नहाना भी छोड़ दिया, एक एक दो दिन छोड़ के नहाती, मैंने कि अब मुझे नहाने में बहुत टाइम लगेगा, जी टाइम खराब हो जाएगा जब तक मैं और काम कर लूंगी, इसलिए रहने दो, नहाने ही नहीं है। अच्छा। नहाने ही नहीं है, नहाने का काम खत्म कर दो, नहाएंगे तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, 4-5 घंटे लगेंगे और वो टाइम गंदा हो जाएगा। तो वॉशरूम में जाओ तो सबसे पहले पूरी बाथरूम धोती हूँ, आधी आधी दीवारें धोंगी, आधी आधी टैप धोंगी, सारी चीजों को धोना वॉशरूम में, मतलब हर चीज को धोना, साबुनदानी रखी उसको भी धोना, वरना मुझको ऐसा लगेगा सावर चलेगा ऊपर से साबुनदानी पे पानी गिरेगा, साबुनदानी गंदी है, उसके छींटे फिर मुझ पे आ जाएंगे, फिर मैं गंदी हो जाऊंगी। जहां जहां से छींटा आएगा वहां वहां से मैं गंदी। अभी होटल में जब हैंड वॉश कर रही थी मैं, तो है ना, मतलब मैंने 2-3 बार हैंड वॉश किए पर है ना मेरे को संतुष्टि नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मुझको ऐसा लग रहा था कि मैं बार बार धो रही हूँ, पानी जो नीचे गिर रहा है वो ऊपर ही आ रहा है, फिर वो दोबारा हाथ गंदे हो रहे हैं मेरे। फिर जैसे तैसे अपने आप को रोका मैंने कि होगा जो होगा, चलो निकलो बाहर इसमें से। अच्छा। लेकिन मन फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ, फिर मैं बाहर निकल ही आई। छींटों से तो इतना डर लगता है सर, अगर हाथ धोते समय अपन हाथ धोते ही हैं तो छींटे यहाँ से यहाँ पहुंचता ही है वो पानी का, तो वो पानी फिर उस हाथ को मैं यहाँ तक दूंगी, फिर यहाँ तक दूंगी, फिर यहाँ तक दूंगी, हाथों को देखना आपने कैसे ऐसे कर रखे, किसी की नहीं होंगी, मेरी कंडीशन देखिए आप पहले। हाँ, मुझे दिखाई दे रहे हैं सफेद हाथ ऐसे कर रखे। हाँ, छाले हो गए हाथों। नहीं, ये धोती हूँ ना तो पूरे पूरे दिन ही धोती रहती हूँ, तो अभी सर्दी का टाइम था ना तो खून जाम हो गया है, इसलिए ये रेडनेस हो गई है। सर्दियों के टाइम में पानी में मतलब इतने कोहरा पड़ रहा है, सब लोग मतलब मना करते थे बिल्कुल भी, लेकिन मैं किसी की मानने वाली हूँ क्या? आप की ओसीडी नहीं मानने देती? मैं किसी की सुनती ही नहीं हूँ।
पापा कुछ भी कहते नहीं नहीं सुनूंगी, भाई कुछ भी कहते नहीं सुनूंगी, किसी की नहीं सुनती मैं। घर में जो मुझे करना होता है वही करती। अपने किचन में किसी को एंट्री नहीं दे सकती मैं। इन लोगों को खाना दूंगी ना तो बाहर ही दूंगी, कोई कुछ किचन में नहीं आ सकता मेरी में। अच्छा, किचन में नो एंट्री का? नो एंट्री, किसी की एंट्री नहीं है। बस पापा जी जाते हैं, वो भी हैंड वॉश करके जाएंगे पापा जी, क्योंकि पापा जी को अपने हाथ की चाय पसंद है। वो चाय मतलब किसी के हाथ की ज्यादा पीते नहीं है, मतलब एक दो बार तो पी लेते हैं, फिर उन जैसे वो फ्री होते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है मैं अपने हाथ से बना के पीऊं। तो पापा जी जाते हैं, और बाकी का तो कोई भी नहीं जाएगा। जाएगा भी तो मैं उनको खाना देना जो भी देना मुझे बताओ, अपना काम छोड़ के उनको दूंगी पहले। वरना जी किचन से आ गए, इन्होंने किचन में किसी चीज से हाथ लगा दिया, फिर मुझे दोबारा से साफ करना पड़ेगा। इन्होंने गैस के स्विच को छू लिया, फिर मुझे गैस साफ करनी पड़ेगी। सर मैं प्लेटफॉर्म को साफ करती हूँ, कम से कम मुझे आधे से एक घंटा गैस को साफ करने में लग जाता है। मेरे को समझ में नहीं आता मैं करूं तो करूं क्या। खाना बनाती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैंने हैंड वॉश करके खाना, तो सभी बनाते हैं, मैंने हैंड वॉश की एक बार हैंड वॉश कर लिया, अगर मैंने किचन के मसालेदानी के डिब्बे को छू लिया तो मुझको लगा मेरे हाथ फिर गंदे हो गए, मुझे फिर धोना पड़ेंगे। अब तेल डालूंगी तो फिर वो दोबारा हाथ धोने, मतलब किचन के किसी भी, अब वो धुले हुए साफ है सब कुछ है, फिर भी मुझको ऐसा लगता है इसे किसी ने गंदे हाथों से छुआ होगा, फिर मैं छू लूंगी तो गंदे हो जाएंगे, फिर मेरा गंदा गंदे हाथों से खाना बनेगा, तो कैसे खाएंगे सब लोग। मतलब पापा कहते हैं हमारे लिए तो तू जैसा हो वैसा बना दिया कर, तू ऐसा मत किया कर, तो भी नहीं सुनती मैं किसी की। पूरे दिन मुझको किचन में ही हो जाता है, पूरा समय लग जाता है, पूरा समय किचन में ही, सुबह से मतलब नाश्ता बनाना खाना बनाना मतलब सारा काम करना तो वो किचन में ही हो जाता है मुझको पूरा दिन। पहले तो मैं नहीं करती थी, मम्मा थी तो मुझको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, मम्मा करने ही नहीं देती थी मुझको। अब मम्मा नहीं है ना तो अभी 3-4 महीने से तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई मुझको, इतनी ज्यादा कि मतलब मैं कुछ समझ में ही नहीं आता। फोन, मेरा फोन कोई टच नहीं कर सकता, मेरे फोन पे किसी का फोन आ जाए तो मैं लाउड स्पीकर में बात कराऊंगी, अपना फोन किसी के हाथ में नहीं देती। हाँ, सामने वाला हाथ लगा देगा तो मेरा हाथ, फोन गंदा हो जाएगा ना, और फोन को हाथ लगाने के बाद मैं हाथ नहीं धोती, मतलब और चीजों को हाथ लगाने के बाद मैं हाथ धो लेती हूँ, फोन को पकड़े रहती हूँ तो मैं हाथ नहीं धोती। इसीलिए आप फोन छोड़ते ही नहीं हो? फोन छोड़ती नहीं हूँ भाई, बस चार्जिंग पे लगाना होता है उस टाइम पे छोड़ती, मतलब जैसे घर पे रहती हूँ तो मैं रख देती हूँ, फिर तो हाथ ही नहीं लगाती। हाँ, पूरे दिन फोन को हाथ नहीं लगा, किसी का फोन बजता रहे फोन ही नहीं उठाना। अच्छा, उठाना ही नहीं है, जब मैं फ्री होंगी तब देखूंगी किसका फोन आया तो रिटर्न करूंगी, फोन को आते नहीं लगाना, बजता रहेगा फोन, बजता रहेगा सब लोग। इसीलिए मैंने 2-3 बार फोन किया आपने, क्योंकि मेरा फोन है सेकंड फ्लोर पे ऊपर रहता है और मैं नीचे रहती हूँ, तो जाती नहीं हूँ काम छोड़ के, मुझे लगा काम छोड़ के जाऊंगी फिर टाइम वेस्ट होगा, इसलिए वहाँ पे ये करना पड़ेगा वो करना। और मेरे पे ज्यादा इमरजेंसी कॉल आते नहीं है, क्योंकि घर में 2-3 फोन और है ना, सबको मालूम है फोन उठाती नहीं है, तो मेरे पे नहीं लगाएंगे तो दूसरे नंबर पे लगा लेंगे, फिर नानी वाले का नंबर है उस पर लगा लेंगे, पापा जी का, भाई का है, लैंडलाइन है उस पर लगा लेंगे, लेकिन मेरे पे फिर एक बार में अगर मेरा फोन नहीं उठेगा तो कोई मेरे पे फोन लगाएगा नहीं, मालूम है उसके हाथ में नहीं होगा तो वो नहीं उठाएगी। फोन उठ जाए, कुदरती उठ जाए तो उठ जाए, वैसे आपका फोन उठता नहीं है? हाँ नहीं, हाथ में होगा तो सर उठेगा। हाँ, वैसे नहीं उठेगा। हाँ, वैसे अगर रिंग बज रही होगी तो मैं ऊपर जाऊंगी नहीं, फोन उठाने नहीं जाऊंगी कि फोन बज रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे फोन पे किसी का फोन ही नहीं आता। कंपनी वालों के अलावा? हाँ नहीं, कंपनी वालों के अलावा नहीं, भाई का या मतलब फैमिली मेंबर का ही आ रहा होगा। हाँ, जो कि उनको मालूम है मैं फोन उठाऊंगी नहीं तो दूसरे नंबर पे लगा लेंगे, या फिर मैं दूसरे वाले फोन है घर में जो दूसरा फोन है उस फोन से लगा के पता कर लूंगी कि क्या जरूरत है क्या काम है। अपने फोन के पास नहीं जाऊंगी, अपना फोन तो ऊपर ही रख कर आती हूँ मैं, जहाँ सोती हूँ बस अपने बेड पे वहीं रख देती हूँ। अब मेरा खुद का अलग बेड है, उस बेड पे ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, सिर्फ वो मैं ही रहूंगी इस पे। ओसीडी ने आपको अपने घर में ही अकेला कर दिया ना? बस। अच्छा, इसके अलावा और कहा? मेरे जैसे शायद इस दुनिया में कोई और होगा भी नहीं। लेकिन आपने इतने वीडियो देखे तो पता लग गया ना कि मतलब सबको अलग अलग तरीके की होती है, पर मेरी जैसी शायद मैंने अभी तक आपकी कोई वीडियो में नहीं देखा कि इतना ज्यादा कोई इंसान परेशान हो। है, आपसे भी ज्यादा ज्यादा परेशान बैठे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन आप में और उनमें एक अंतर होता है, वो ठीक होना तो चाहते है लेकिन उस लिए उस पर एक्शन नहीं ले पाते, लेकिन आप ठीक भी होना चाहती हो और एक्शन भी लेती हो, ये आपकी खूबी है। मैं बस ये सोच रही हूँ जैसे भी हो वैसे बस इससे छुटकारा मिल जाए तो ये है कि मतलब जिंदगी मतलब बदल जाएगी, वरना तो ऐसी लाइफ तो सर जी नहीं सकते, नहीं जी पाऊंगी। मैं तो बोल भी दिया था पापा जी, मैं तो अगर ऐसा ऐसी लाइफ रही मैं तो सुसाइड कर लूंगी, मेरे को ऐसी लाइफ नहीं जी पाऊंगी, मैं ऐसे रह नहीं सकती मैं।
लेकिन वो इलाज नहीं है ना। वो बहुत दुखी हो गए थे पापा, अगर ऐसा क्यों, हम दवाई कराएंगे यहाँ पे नहीं, बाहर कराएंगे, कहीं भी जाएंगे तो मैं ठीक कराएंगे, बस तुम चिंता नहीं करो, कैसे भी कराएं तुमको ठीक कराएंगे। आपके घर वाले बहुत अच्छे हैं जो इतना सहयोग करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा, पैसे की नहीं सोचते, इलाज जहाँ मिले वहाँ चले जाते, वहाँ चले जाएंगे। वो कहते कहीं बस उनको, उन्होंने आप लोगों की वीडियो नहीं देखी थी, मैंने ही आपकी वीडियो देखी थी, तो मैंने उनको बताया, तो मैंने ऊपर बोला पापा बहुत दूर है और इन्हें इतनी फीस है सर की, सर वो पापा बोलते हैं सर तुमको ठीक कर दे, हम 25 के 50 देंगे सर को, लेकिन वो सर तुमको ठीक कर दें, बस हम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस सर तुमको ठीक कर दें। तो अभी तक कैसा लग रहा है? अभी तक तो सर सब चीज नॉर्मल ही लग रही है। तो अब आप नॉर्मल हो जाओगे, यहाँ भी नॉर्मल रहोगे और घर में भी रहोगे, ये मेरा वादा है। बस नॉर्मल ही रहना है। सब लोग, पता नहीं मुझे समझ में आता, सब लोग इतनी जल्दी कैसे सुपर फास्ट सारे काम कर लेते हैं, 10 मिनट में सबके काम। हमारे आस पड़ोस में सब लोग हैं, काम करके फ्री भी हो जाते हैं, बाहर भी बैठ लेते हैं, बाहर भी घूम जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। मैं घर में से बाहर ही नहीं निकल पाती, मेरे को पूरा दिन घर में ही हो जाता है। बाहर तो बिल्कुल भी जाने का मन नहीं करता कि घर से बाहर मार्केट जाने का, मतलब कोई काम भी होगा तो भाई से बोल दूंगी तुम ये ले आना, तुम ये ले आना, मार्केट तो जाऊंगी ही नहीं। दीदी आती है तो भले ही दीदी के संग में एक आध दिन जबरदस्ती चले जाते चलिए। सबसे पहले तो अवॉइड ही रहता है, भी अवॉइड ही करें, सारी अवॉइड ही करो इस चीज को, इससे दूर ही रहना है। अच्छा, क्या क्या चीजें आज तक आपसे अवॉइड रही हैं, जो काम आप करते ही नहीं हो? ऐसा तो शायद कुछ भी नहीं है। मोबाइल का चार्जर नहीं उठाते दूसरे का? मतलब उठाती हूँ तो फिर हाथ धोने पड़ते हैं, मतलब उठा तो अवॉइड ऐसे नहीं करती, कर तो लेती हूँ मैं उस काम को, फिर हाथ धोती हूँ। हाँ, फिर वो डूइंग कर लेते हैं। हाँ, डूइंग कर लेती हूँ उसको। अच्छा, ये वीडियो में क्या क्या सीखा आपने, मेरे वीडियो से क्या सीखा अभी तक? कुछ नहीं सीखा सर। सीखती तो फिर शायद यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। ऐसा ना कहो, देखो सीखने वाले भी आते हैं, क्योंकि ये वीडियो से बाकी लोग सीखेंगे, वो भी आएंगे, तो कोई बात नहीं। वीडियो देखे तो होंगे ना? हाँ देखे है मैंने, वीडियो देखे हैं। तो उसमें क्या पता चला? ये मुझे लगता है कि ये तो मेरी बीमारी है जिस कारण से मुझको हो रहा है, बाकी तो ऐसे किसी को होता ही नहीं है, बीमारी के कारण ही हो रहा है। अब समझ में नहीं आता, कुछ समझ में ही नहीं आया मुझको कि मुझे क्या सीखना है, क्या समझना है, किस बात को मैं लेके चलूं, किस बात को मैं पकड़ूं। फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करती हूं तो सोचती हूं, हाँ सर ने ऐसा बोला था वीडियो में कि हवा से सारी चीज सही हो जाती है, तो ये गंदा नहीं है। अपने मन को एक बार को थोड़ी संतुष्टि कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए होती है, फिर नहीं हो, फिर वही काम कर लो। सोचते तो हो लेकिन फिर वही हो जाता, फिर वही करो, ठीक है ये कर लेते हैं, कुछ नहीं हो रहा इसको। हाँ, कर लेते हैं। तो आप चीजों को टच करते ही नहीं है? करते नहीं हूँ, दरवाजे का हैंडल नहीं छूते, दूसरे का मोबाइल नहीं लेते, मोबाइल दूसरे का मोबाइल में लेती ही नहीं अपने हाथ में, अपने अच्छा, मोबाइल भी नहीं लेती, दूसरे का लेती भी। अच्छा, मान लो ये फोन है मेरा, नहीं लूंगी मैं इसको, मतलब अभी तो आपका तो ले लूंगी, आप बोलोगे तो ले लूंगी, वैसे किसी का फोन नहीं लेती मैं हाथ में। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि अभी आप मुझसे जो बोलोगे ना मैं शायद सारे काम कर लूंगी। हाँ, लेकिन फिर वो घर जाके फिर मुझको ऐसा लगता है कि शायद फिर नहीं करूं मैं। ना ना ना, ये विचार ही ओसीडी का है। हाँ, कि यहाँ तो सारे कर लूंगी लेकिन घर पे नहीं होंगे। अब देखो यहाँ हो गया वो घर पे हो जाएगा, जैसे फौजी को ट्रेनिंग दी जाती है वो क्या बॉर्डर पर दी जाती है? नहीं, वो तो पहले ही दी जाती है, कैंप में दी जाती है, तो वही ट्रेनिंग वो घर पर करता है। तो जो आप यहाँ सीखोगे वही घर पर करना है, सिंपल सा है, घर पर कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो सच में मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आप ठीक होगे तो ही ऑफिस बनेगा। हाँ, अच्छा, ये खाना भी नहीं खाते आप बाहर? नहीं। अच्छा, बाहर क्या क्या नहीं खा भी लेती हूँ सर, घर का नहीं खाती, दिक्कत ये मुझको सर, सब्जियों को धोऊंगी तो मेरे को धोने का क्या है, मैं नॉर्मल सब लोग टैप के नीचे किया धोके एक तरफ पड़ा दिया, नहीं पहले धोऊंगी उनको, 4-5 बार धो लूंगी, फिर एक बार धुला हुआ बर्तन धोके अलग रखूंगी पानी भर के, 4-5 बार सब्जियों को टैप के नीचे धो लिया, फिर धुले हुए फल फ्रूट जो भी सब्जी वब्जी उनको दोबारा से उस पानी में डाल के फिर दोबारा से निकालूंगी। अच्छा, सब्जियों को धोने में इतना टाइम लगता है मुझको, फ्रूट को धोने में इतना टाइम लगता है, मतलब खाना बनाने कोई भी चीज धोना है तो उसको तो बहुत टाइम लगता है, हर चीज को, बर्तन धोने में इतने टाइम लगता है सर मुझको, पूछो ही नहीं, एक बार साबुन लगा के फटाफट से, नहीं एक बार धोंगी, दो बार धोंगी, तीन बार धोंगी, धोती रहूंगी मैं, मतलब कोई भी काम है करना है तो करती रहती हूँ मैं उस चीज को, जब मना मतलब एक बार हो गया साफ हो गया, मुझे लगता है इधर साबुन रह गया, इधर ऐसा रह गया, ये मैंने नीचे रख दिया, अब जो नीचे से गंदा हो गया फिर इसको पीछे करके दो, फिर आगे से दो, फिर इसको पीछे से दो, फिर आगे से दो। इसका मतलब है कि आपको बर्तन धोने की ट्रेनिंग भी देनी है, तो आपने यहाँ बर्तन सारे आपने ही धोने हैं?
वो तो मैं धो लूंगी, मुझे बर्तन धोना गंदा नहीं लगता सर। नहीं कैसे धोना वो सिखा देंगे। हाँ तो ठीक है। हाँ और वही आप कॉपी घर पे कर दोगे, सेम वो पैटर्न बन जाएगी ना, दो दिन में आपको आदत पड़ जाएगी, ऐसे धोते हैं, दो चार बार धोगी। अच्छा कपड़े धोने में कैसा रहता है? कपड़े नहीं धुलवाएंगे, जहाँ जहाँ दिक्कत आती है ना वो सारे काम हम करेंगे, ठीक है, और सही करेंगे नॉर्मल तरीके से। जब आप 5-6 बार काम को कर लोगे फिर आपके वो पुराने पैटर्न डिलीट हो जाएंगे और नए बन जाएंगे। तो ये 2 दिन का जो वर्कशॉप है ये प्रैक्टिस का वर्कशॉप है, या आपने प्रैक्टिस वो करनी है जो सही है। हाँ, तो आज पहले तक तो सिखाना पड़ेगा ना ये बर्तन धोने का सही तरीका क्या। हाँ, है? पहले सारे तरीके सिखाएंगे, नहाने का भी आप तरीका सीख लोगी क्योंकि आप तो पूरा सफाई अभियान वॉशरूम में चला देती हो। जी क्या क्या सफाई वॉशरूम में रहती है सर? सभी चीजों को धोना होता है, दीवारों को धोना है, फर्श। अच्छा दीवारों को भी धो देते हो? आधी आधी दीवारें धो देती हूँ मैं, मेरे को लगता है इससे पहले कोई नहा के गया तो उसने छींटे, हाँ छींटे गिरे होंगे, गंदा कर दिया। हाँ, और बाल्टी मग्गा नल टैप सब जितना भी सामान वॉशरूम में सब चीज धोना उसमें। तो आपका काम तो सफाई वाला तो अच्छा है, आपको तो कहीं एक बार आपको भेज दे वॉशरूम में तो साफ होके ही आएगा। हाँ वॉशरूम तो साफ होकर ही आता है। हाँ तो अगर वॉशरूम की सफाई करनी हो तो आपको भेज दिया जाए ना। नहीं सर मैं करती नहीं हूँ। मतलब ये है कि आप बिना सफाई किए आ ही नहीं सकते हो। नहीं बिना सफाई किए आप नहाने जाऊंगी तो ही करूंगी, और नहाने नहीं जाऊंगी तो वॉशरूम में जाती ही नहीं। हाँ अवॉइड करते हो, बिना नहाओगे बाद में पहले सफाई होगी भाई। जी हाँ, जब आपका मन मान जाएगा कि आप साफ है फिर नहा लो, फिर नहा लो, नहीं तो नहीं नहाएंगे। नहीं तो नहीं नहाएंगे। अच्छा आज तक कितना पानी बर्बाद हुआ होगा? सर बहुत पानी बर्बाद करती हूँ मैं। अच्छा इसके लिए डांट नहीं पड़ती? पड़ती है सर, बहुत डांट पड़ती है पानी के लिए तो, बहुत ज्यादा डांट पड़ती है मुझको घर पे। अच्छा घर वाले क्या कहते हैं कि पानी हद से ज्यादा या टंकी खाली कर देते होंगे? टंकी खाली हो जाती है कभी कभी तो। अच्छा डेली तो नहीं होती पर कभी कभी तो हो जाती है। कभी कभी अच्छा ये ओसीडी जब गुस्से में हो, स्ट्रेस में हो, चिंता में हो तब ज्यादा हो जाता है। हाँ और जिस दिन मूड अच्छा होता है तो कम टाइम लगता है? वो तो एक आदत सी बन चुकी सर कि ये करना है, इतना तो लगना ही लगना है, इतना तो लगना है। अच्छा और कहीं रिश्तेदारी में जाते ही नहीं होंगे? मैं जाती नहीं। शादी में नहीं जाते? नहीं जाते किसी शादी में, नहीं जाते कहीं रिश्तेदारी में, नहीं जाते। अभी मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं बस यही सोच के आई हूँ मैं कैसे रहूंगी, कैसे क्या करूंगी, समझ में नहीं आया। मैंने क्या, मैं ये सोच के आई मैं चलती हूँ, होगा वो देखा जाएगा। हाँ। जैसा भी होगा, मतलब जो भी एडजस्ट करना होगा जैसे होगा वैसा, पर आना तो जाना तो पड़ेगा, ठीक होना तो जाना। लास्ट ऑप्शन है मेरे पास ये यहाँ का, कि अगर मैं यहाँ ठीक हो गई तो ये लास्ट ही ऑप्शन है मेरे पास, अदरवाइज मुझे अब कहीं जाने नहीं है। आज के बाद में हर जगह सारी जगह जाना बंद, ये सोच के ही है? हाँ ये लास्ट ऑप्शन है, लास्ट उम्मीद जोधपुरिया बस। बस ठीक हो गई तो ठीक है, ठीक हो गई तो ठीक है, क्योंकि मुझे आपकी वीडियो देख के ऐसा लगा कि आपने कई लोगों को ठीक किया है तो आप मुझे भी ठीक कर ही दोगे। हाँ मैं ठीक तो कर दूंगा लेकिन उसमें आपका सहयोग चाहिए ना। जी देखो दो हाथ से ताली बजती है ना, या एक से बजती है? दोनों से बजती है। मैं तो 2 कदम बढ़ाऊंगा लेकिन एक कदम तो आपको बढ़ाना होगा फिर ठीक हो पाओगे ना। क्या मैं जबरदस्ती आपको ठीक कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो आपको अपने मन से सहयोग करना है, शरीर से नहीं करना, मन से सहयोग करना है अपनी जिंदगी के लिए, अपनी माता जी के लिए। और इसमें बहुत परेशान होके गई है, मेरी चिंता उनको इतनी रहती थी, 24 घंटे मेरी ही चिंता रहती थी उनको, ये ठीक हो जाए बस और सारी प्रॉब्लम बाद में देखेंगे। घर में और किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ना पैसों की कमी है, ना खाने पीने की। मतलब सर सब लोग कहते हैं ये खाओ वो खाओ, जो भाई से पापा से बोल देंगे ये खिलाओ इसको, वही चीज घर में आके रख जाएगी, पर मैं खाती नहीं। तो मुझे मालूम है अभी फ्रूट आ गए, मुझको इनको धोने में 4 घंटे लगेंगे तब जाके ये खाएंगे, सोचो खाओ ही मत, धोने ही नहीं पड़ेगा, खाएंगे तो धोना पड़ेगा, खाएंगे नहीं तो धोना। इससे अच्छा है कि अवॉइड करो, अवॉइड करो, खाओ ही नहीं अपन। भी सारी चीजों में अवॉइडेंस आ गई है, सब चीज में। आपका वजन भी तो मेरे को लगता है कि थोड़े सालों में आप हवा में उड़ने वाली हो। सब वजन की वजह से तो इतने ज्यादा परेशान है सब लोग, बहुत ज्यादा। अच्छा कितना वजन रह गया है? 43 है सर बस। पहले कितना था? सर पहले से 50 की समथिंग था साइज से, मतलब वजन तो शुरू से ही कम है मेरा, पर ये मतलब मैं ठीक थी। 60 किलो का तो ठीक रहेगा ना? 60 तो कर ही देते कम से कम। चलो ये हो जाएगा। तो 2 दिन में आप कितना वजन बढ़ाना चाहोगी? जितना बढ़ जाओ उतना कमी है सर, कमी है ना। चलो मैं तरीका बताता हूँ, आपने मुझसे तरीका भी पूछा था ना, कि आपने कितने साल पहले वीडियो देखे थे? मैं 4-5 साल पहले देखे थे आपकी वीडियो, तो उसमें मेरा वजन कितना था? बहुत कमजोर थे आप उसमें, वजन तो मुझे मालूम नहीं पर आप कमजोर थे उसमें। अच्छा उसमें और अब में कितना अंतर होगा?
अब मैं शायद से 10 का तो हो गया या ज्यादा। हाँ, 10-15 का तो हो गया। हाँ, इतना आपका भी हो जाएगा। बस इतना हो जाए सर, फिर नॉर्मल है ना, ज्यादा भी नहीं करना मुझे, मतलब नॉर्मल रहे कम से कम। हाँ, ज्यादा तो करना ही नहीं है, मोटा भी इंसान रहती है। हम पतला अच्छा होता है पर इतना भी पतला अच्छा नहीं भी कंकाल ही लगे ना। हाँ, भी कपड़े ऐसे लगे जैसे हैंगर पटांग दियो। कैसे भी कपड़े पहन लो अच्छे ही नहीं लगते। अच्छा, एक कपड़े आप ऊंचे से पहनते हो, ये इसी कारण से कि टच ना हो जाए? हाँ, हाथ वात मतलब धोने में दिक्कत आती है, नीचे कपड़े पहन लेती हूँ ना। हाँ, तो फिर ये बार बार धोती हूँ ना तो नीचे दिक्कत देते हैं वो। चलो आज कपड़े भी दिला के लाके आएंगे, उतने जो ऐसे लटक लटक के चले। जब आप चलोगे ना सड़क पे तो ऐसे जैसे झाड़ू सा निकलता हुआ चले, तो मेरे कपड़े टच नहीं हो सकते। मुझको ऐसा लगता है कि मतलब सड़क तो गंदी है, उस पर सब चल रहे हैं, सब उस पर थूक रहे हैं, कर रहे हैं, मतलब उस पर तो सारी गंदगी पड़ी हुई है, और मेरे कपड़े टच हो गए, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। कोई बात नहीं, आज से आप गंदे करके ही रखेंगे, तो हाथों पे भी ऐसे ऐसे लटकते हुए चलेंगे सारे, ऐसे जैसे आप जहाँ चलोगी ना वहां पर झाड़ू ही लगता चलेगा। अब ऐसे ही कपड़े पहनोगी आप, ठीक है सर? वैसे ऐसा होता नहीं है, गंदे नहीं होते ना कपड़े। कपड़े गंदे इस दुनिया में हो ही नहीं सकते, गंदगी नाम की चीज ही नहीं है, सिर्फ एक शब्द ही है गंदगी, बाकी गंदगी इस दुनिया में है ही नहीं। कुदरत ने गंदगी मनाई ही नहीं है, ये तो हमने अपनी सोच में गंदगी डाली है, तो सोच से ही पैदा हुई गंदगी। टीवी में एडवर्टाइज देख के मेरी टीवी तो साला कुत्ता कमीना है, इडियट बॉक्स है। उसी में जो इंसान टीवी देखता है ना उसको मानसिक रोगी होने से कोई नहीं रोक सकता। स्टार्टिंग में क्या उसी पे मेरे को लगता है एडवर्टाइज वगैरह लाइफ बॉय के वगैरह देखे थे, तो वो ही मतलब माइंड में घुसा हुआ कीटाणु का नाश करो, कीटाणु बस। वो तो ना अपनी वो सामान बेचने के लिए, बस साबुन की जिंदगी में जरूरत नहीं है। आप मेरे हाथ देख रहे हैं जी, बिल्कुल साफ है, मेरा चेहरा बिल्कुल साफ है, एकदम ओके। हाँ जी, आपको पता है मैंने साबुन कितने सालों से नहीं लगाया? कितने सालों से पता नहीं, 18 सालों से। फिर सर हैंड वॉश कुछ नहीं यूज करता। अच्छा, कुछ यूज ही नहीं किया आज तक, ऐसे ना लेते हैं बिना साबुन के? कुछ यहाँ पर कोई शैम्पू साबुन कुछ लगाया नहीं, मैंने शरीर पर टच ही नहीं हुआ। सर मैल वगैरह नहीं होता? मैल होता कहाँ है, देखो आज तक दिखाई दिया नहीं तो। मैल आप पर रगड़ेंगे तो चमड़ी उतरती है, वो मैल नहीं होता, वो चमड़ी होती है। अच्छा, पानी से साफ हो जाता है? पानी में आप सोचो मैं कितनी देर में नहा लेता हूँ। देखा मैंने वीडियो शायद से, कुछ सेकंड का ही है। हाँ, 60-61 सेकंड में नहा लेता हूँ, वही तो नहा के भी दिखा दूंगा जी। पानी डाला बस हो गया। ऐसा हो रहा है लगभग 18 सालों से, हमारे घर में कोई साबुन नहीं लगाता, कोई भी नहीं लगाता। ये मतलब आपने मना किया कि अपने आप से? अपने आप साबुन हम उसके लिए लाते हैं जो मेहमान आता है। अच्छा, आप भी बिना साबुन ही रहोगी, कैसा लगा? आपकी तो लाइफ लाइन है साबुन, जीवन अमृत साबुन। साबुन के बिना तो जिंदगी नहीं है मुझको ऐसा। पर मैं लेकर नहीं आई अपने साथ में, मैं लेकर नहीं आई, पापा फिर भी रख के लेकर आए कि तुमको जरूरत पड़ेगी तो फिर मुझे होटल में जरूरत पड़ी। चलो अब आपने साबुन यूज ही नहीं करना, ठीक है? पर मैंने होटल का यूज नहीं करा, वहां पे भी रखा था मैंने पापा, वो इसलिए यूज नहीं किया कि गंदा हो सकता है। हाँ, किसी का हाथ लगा होगा, अवॉइड किया ना, फिर वो यूज नहीं करना, वो इलाज नहीं है। अपना नया वाला निकाला। पहले तो मैं हैंड वॉश ही करती थी, साबुन भी नहीं करती थी, मतलब साबुन से क्या सबके हाथ लगते हैं, इसलिए हैंड वॉश वाला जो डिब्बा आता है ना, फिर मैंने धीरे धीरे उसको अवॉइड करना चालू किया। मैंने बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब उसे छोड़ा जैसे जैसे, बहुत मुश्किल से उसको बंद किया फिर मैंने, जब धीरे धीरे, लेकिन वो साबुन और ज्यादा। तो अब बिना साबुन रह लोगी? पता नहीं सर। हाँ पता नहीं, फिर अच्छी बात है, बस अब आपको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब आप न्यूट्रल हो। ठीक है, आप न्यूट्रल ही रहना। अब आप ये सोचो कि मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता बस। हाँ, जैसे सब, मुझे तो ऐसा रहना है जैसे सब रहते हैं, मुझको वैसे रहना। हाँ, है बस आप जो कहोगे वो सही है, लेकिन पता मुझे कुछ भी नहीं, पता मुझे कुछ, बस ये वाक्य याद रखना। देखो आपकी इंटेलिजेंस वाक्य में बहुत अच्छी है, आपकी IQ बहुत तेज है ना, बहुत चीजों को फास्ट लर्न कर लेते हो, सीखते जल्दी हो ना, मैं सही कह रहा हूँ? जी सर, सीख तो लेती हूँ मैं उस चीजों को, पर मैं बस इसी बीमारी के कारण पीछे हूँ, वरना आज मैं बहुत आगे होती सर। आप सब चीजों में अब आगे जाओगे, वजन में भी आगे जाओगे। मेरे साथ के जो मेरे स्टूडेंट थे सब जॉब लग गई सबकी, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कहीं मेरे लिए सर ऑफर आते हैं बैंगलोर से, कैंपस के जो ऑफर आते हैं
बहुत जगह से आते हैं पर मैं जाती नहीं कहीं क्योंकि मैं रह ही नहीं सकती कहीं। ठीक होने के बाद कहाँ जॉब करना पसंद करोगे? पहले तो अपनी 6 महीने की जो ट्रेनिंग होती है मेरी वो करूंगी। हाँ। उसके बाद जैसे भी मुझे जहाँ भी अच्छी लगेगी वहाँ करूंगी। चलो अभी तो जब जॉब लग जाएगी तब पार्टी पक्की? जी सर, पार्टी आपके लिए तो सब कुछ होगा, अगर मैं ठीक हो गई तो फिर आप जो बोलोगे वो सब कुछ। बिल्कुल, आपको ठीक होने से कोई रोक ही नहीं सकता ना सर। आप कहते हैं एक वीडियो मैंने देखा था कि आपने बोले थे मतलब कुछ लोग जो ठीक होते हैं कुछ लोग ठीक होते हैं बस कुछ ही लोग ठीक हो पाते हैं। कुछ ही लोगों में आप भी शामिल है तो फिर ठीक है। हाँ, कुछ लोग कौन ठीक हो पाते हैं मैं बता देता हूँ। जो बंदा अपना दिमाग नहीं लगाता वो ठीक हो जाता है, जो बंदा अपना दिमाग लगाता है, जो मैं कहता हूँ वो नहीं करता है वो ठीक नहीं होता। अच्छा। जो अपना दिमाग लगाता है नहीं 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 ऐसा तो नहीं करूंगा मैं, वो ठीक इस जन्म में नहीं हो पाएगा, किसी जन्म में नहीं हो पाएगा, उसको भगवान भी ठीक नहीं कर सकता। मैंने वो वाली वीडियो भी देखी थी आपने जिसमें सब्जियों में नाले का पानी जाता है। हाँ। तो मैं सोच रही थी जब मैं ऊपर से सब्जियों को धो सकती हूँ अंदर से तो धो ही नहीं सकती तो नाले का पानी गया है। हाँ, पानी से तो नहीं है। तो फिर मेरे को समझ में आता है कि इतना नहीं धोना मुझको, तो कभी कभी खुद को कंट्रोल कर लूंगी उस बारे में सोचूंगी। तो आपको ये नहीं लगता कि इस बंदे से मैं पहले मिल लेती तो शायद जिंदगी बदल जाती? हाँ, नहीं सर, मुझको लगता है कि मुझे ऐसा लगता है जब मैंने 4-5 साल पहले आपकी वीडियो देखी थी उसी टाइम में मुझे यहाँ आ जाना चाहिए था। अरे तब मैं बुलाता ही नहीं था। अच्छा, तब नहीं बुलाते थे? ना। अच्छा, मैंने बुलाना 1 साल से स्टार्ट किया। अच्छा, पहले आप ऑनलाइन करते थे? हाँ, ऑनलाइन ही करता था। पर वही मैंने आपसे पूछा मैंने ऑनलाइन हो जाएगी जब आपने कहा ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है अभी, जब मैंने फरवरी में आपको कॉल लगाया था। अभी 1 साल से ऑनलाइन बंद हो गया जी। अच्छा, ऑनलाइन बंद कर दिया आपने? हाँ, ऑनलाइन बंद कर दिया, ऑफलाइन शुरू कर दिया। ऑनलाइन ज्यादा बेटर रहता था कि ऑफलाइन? नो, ऑफलाइन। ऑनलाइन में तो मैं फोन पे समझा दिया 45 मिनट उसके बाद बंदा करता थोड़ी ना वो। यहाँ 2 दिन आपके साथ में रहेगा तो आपको मालूम तो है। हाँ, मैं तो कराऊंगा, 24 घंटे मेरे सुपरविजन में रहेगा ना जी, 24 घंटे मैं रहूंगा ना जी। रात को भी कोई दिक्कत आई कैसे नहा रहा है कैसे कर रहा है, वरना ओसीडी वाले बड़े चालाक होते हैं। अच्छा। हाँ, वो मेरे सामने तो सब कुछ मान लेंगे लेकिन जाके फिर अपना दुआएंगे। अच्छा। अब मैं फोन पे समझा दिया, जी, अब फोन पे चीजों को टच भी करा दिया। हाँ, कर लेंगे। हाँ जी। अब कर लिया, अब मैंने फोन काट दिया उसके बाद तो वो आ जाते हैं। वही करेंगे, वही तो, वही होता है। तो फोन के जैसे घर में कोई गेस्ट भी आ जाता है ना सर, उस टाइम पे तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मुझको, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं क्या नहीं करूं कैसे क्या करूं समझ में नहीं आता। गेस्टों को भगा तो नहीं देते? भगा तो नहीं, वैसे सब लोग अभी गेस्ट वगैरह सारे खुश होकर ही जाते हैं। अभी पापा जी के थोड़े आए थे, मामा दीदी के ससुराल से आए थे, वो बहुत तारीफ करके गए पापा से कि आपकी गुड़िया बहुत संस्कारी है, आपकी गुड़िया मतलब पैसा तो हर कोई कमा लेता है लेकिन जो दौलत आपकी गुड़िया के पास है वो हर किसी के पास नहीं है। रात को 11 बजे आए थे, फिर मैंने उन लोगों के लिए चाय पानी नाश्ता खाना पीना सब बनाया रात को 12-1 बजे तक। तो उन्होंने कहा इतनी मतलब आजकल की डेट में किसी के यहाँ रात को 11 बजे पहुंच जाओ तो इंसान मुंह बना लेता है, लेकिन आपकी गुड़िया इतनी समझदार है, उसने हमें इतने आदर के साथ में बैठाया करा। पापा नाइट ड्यूटी में थे, फिर सुबह उनको पापा मिले तो पापा से बहुत तारीफ कर रहे थे, पापा बहुत खुश हुए, पापा कह रहे देखो वो आपकी कितनी तारीफ कर रहे थे। गेस्टों को भगाते नहीं, वैसे सब खुश होकर जाते हैं, पर ये ना मेरे लिए प्रॉब्लम बढ़ जाती है बस। उनके जाने के बाद मेरा सफाई अभियान चालू हो जाता है। चलो, कि जब तक वो रहते तब तक तो समझ में आती है ठीक है। ओके। पूरे दिन खाना ही नहीं खा रहा, रात को 9-10 बजे जब सबको खिला देगा, जब अपने लिए बनाएगा, जब सबको खिला पिला के अपने लिए जब पीछे से बनाया पूरा साफ साफ कर करा, जब सब लोग 10-11 बजे खा के फ्री हो जाते हैं। हाँ। उसके बाद अपना बनाना चालू करूंगी, जब अपना बनाऊंगी तो फिर वो 11 रात को तो नींद आती है, थोड़ा बहुत खाया पिया सो गए। सुबह से तो जो होता है अगर ब्रश वगैरह किया उसके बाद मतलब ब्रश तो कर लेती हूँ नॉर्मल रहता है, उसके बाद आधे आधे 1 घंटे समय ये थूकने की बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शरीर के अंदर पता नहीं क्या है, मतलब जब तक मैं थूकूंगी नहीं ना तब तक मतलब मेरे अंदर गंदगी चली जाएगी जो मतलब अंदर ही रह जाएगी। मतलब मुझे सुबह उठ के मतलब कम से कम समझ में ही नहीं आता क्या करती हूँ, मतलब और किसी के सामने नहीं करती, मुझे शर्म आती है किसी के सामने, इसलिए तभी आपसे बोला आप अंदर चले जाइए सर। शर्म आती है मुझको किसी के सामने कि कोई क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, तो जैसे घर में कोई रहेगा तो करूंगी, जब सब लोग कहीं चले जाएंगे जब करूंगी तो तब तक मैं भूखी ही रहती रहूंगी, पानी तक भी नहीं पीती मैं सुबह से शाम, गर्मी इतनी पड़ती है तो रात को 8-9 बजे तक पानी नहीं, गला चिपकता रहेगा सब कुछ होता रहेगा लेकिन मैं पानी नहीं पी सकती। खाने पीने की तरफ से तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ, और एक बार को चलो ठीक है समझ में आती है सारी थोड़ी हो जाती है, लेकिन खाने की परेशानी वैसे सर किसी को होती नहीं है। जैसे मैं आपके कोई वीडियो में नहीं देखा कि किसी को खाने से परेशानी हो, मुझको खाने से परेशानी है। हाँ, आपको खाने वाली परेशानी एक्स्ट्रा? हाँ, मैंने किसी वीडियो में नहीं देखा किसी इंसान को खाने से परेशानी है। मुझे खाने से बर्तन धुले हुए रखे हैं तो मुझको ये लगता है मतलब जैसे धुले हुए किसी ने रख दिए, मैंने डलिया भर के धो के रख दिए बर्तन, अब जैसे उसमें डलिया में किसी ने हाथ लगा लिया मुझे लगता है सारे बर्तन गंदे हो गए।
किसी ने हाथ लगा दिया, धुले हुए बर्तनों से सारे बर्तन गंदे हो गए, अब मैं उसमें से कोई बर्तन नहीं लूंगी जब दोबारा अपने लिए नहीं धुलू। इन लोगों के लिए फिर भी कर दूंगी, पर अपने लिए तो दोबारा धोकर ही लूंगी उसको, धोकर नहीं साबुन से धोके, साबुन से धोना जरूरी होता है। विम बार से मतलब जेल से जो भी है घर में जो यूज करती हूँ उससे धोना रहता है। अच्छा थूकना कैसे होता है, इसके पीछे में और बताएं मुझे। सर थूकने की मतलब ऐसी बीमारी है कि मुझे ऐसा लगता है पेस्ट मेरे अंदर चला गया। पेस्ट करते हैं जो अपन पेस्ट कोलगेट, अच्छा वो अपने अंदर चला गया, अब वो जब तक मैं थूकूंगी नहीं तब तक वो बाहर नहीं निकलेगा, 10 बार 20 बार 30 बार 40 बार 50 बार मतलब जब तक मेरे मन को संतुष्टि नहीं होगी तब तक मैं थूकती रहूंगी और अकेले में जाके करूंगी, मतलब जैसे कहीं नहीं, मतलब एक तरफ छत पे चले गए कुन्ने में, वहां पीछे की साइड खाली जगह है, वहां पे थूकती रहूंगी, जब मन संतुष्ट हो जाए तब नीचे आऊंगी तब कुछ खाऊंगी। ये सबसे ज्यादा परेशानी है मुझको, क्योंकि कोई घर में रहता है सामने रहता है तो ये तो चलो आपके यहाँ पे थोड़ी जगह थी इसलिए मैंने कर लिया, अगर मैं कहीं और जाऊंगी तो कहाँ ऐसे थोड़ी होता है। फिर वॉशरूम में जाते हैं, फिर तो वॉशरूम में जाना पड़ेगा। वॉशरूम में भी नहीं जाती सर मैं थूकने के लिए, वॉशरूम में जाऊंगी क्योंकि वॉशरूम में से निकल के तो मुझको थूकने ही वॉशरूम में नहीं थूकने जाऊंगी। अच्छा वॉशरूम में से मुझको ऐसा लगता है कि वॉशरूम में गंदी है उसकी पता नहीं क्या हवा है क्या है, मतलब जिस चीज से मतलब मैंने तो मतलब वॉशरूम से बाहर आकर ही थूकना पड़ता है मुझको। अच्छा फिर कई जगह जहाँ पर ना थूकने वाली जगह मिले तो कैसे एडजस्ट? खाती नहीं कुछ, खाऊंगी अंदर ही नहीं खाऊंगी कुछ, बैठी रहूंगी ऐसी। अच्छा इसीलिए आपने खाने की खाने से पहले जरूरी है, वैसे नहीं है जरूरी। अच्छा पीने से पहले? पीने से खाने से सबसे पहले जरूरी। अच्छा अगर मैं अभी पानी दूं तो? अभी तो पी लूंगी क्योंकि अभी अभी मैंने पिया है ना, अभी अभी मैंने खाना स्टार्ट कर दिया ना तो। अच्छा आज कर लोगी? पहली बार में? हाँ पहली बार में दिक्कत आती है, अभी तो मैंने स्टार्ट कर लिया, अब तो मैं खा लूंगी कोई दिक्कत नहीं। अब तो नो शाम तक खा लूंगी कोई दिक्कत नहीं। सुबह सुबह उठने के ब्रश करने के बाद, ब्रश करने का? अच्छा ब्रश अभी करा दें तो? अभी ब्रश करवा दें तो? ब्रश करवा दें तो फिर वो एक घंटे तक करती रहूंगी सर शायद। अच्छा फिर थूकोगी? फिर थूकूंगी एक आध घंटे तक। तो कोई बात नहीं है, मैं करवाऊंगा ना आपको, ब्रश करना भी सिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा पहले जी। कैसे ब्रश करते हैं फिर आप वैसा ही करोगी? नहीं ब्रश करने में कोई दिक्कत नहीं होती सर मुझे। एक घंटा करती हो ना? नहीं तो ब्रश 5 मिनट करती हूँ बस। अच्छा ब्रश करने में कोई दिक्कत नहीं है, कुल्ला करने में कोई दिक्कत नहीं है, ओनली मतलब ब्रश करने के बाद मतलब मुझे एकांत में जाकर थूकने की आदत है, वो थूकने की आदत कैसे बंद? अच्छा पहले तो हम ब्रश करेंगे फिर मैं जो खाऊंगा मेरे साथ खा लोगी जी। जब मैं नहीं थूक रहा तो आप भी नहीं थूकोगी जी। दिक्कत होती तो आपको, आपको होगी तो मुझे भी होगी ना जी। तो इसका मतलब ये कि आपकी दिक्कत वाली समस्या ओसीडी की है जी। आपको ओसीडी का एक विचार पकड़ा हुआ है कि नहीं थूकूंगी तो कुछ गंदा चला जाएगा। वैसे गंदा कुछ होता ही नहीं है, हजारों लाखों लोग इस दुनिया में हैं, कोई नहीं थूकता। हाँ कोई नहीं थूकता। हाँ तो हम भी नहीं थूकते थे बचपन में, नहीं थूकते नहीं थूकते थे, कुछ नहीं बिगड़ा ना, तो अर्थात हमने ये सीख लिया, थूकना सीख लिया, ये आदत बन गई है, आदत बन गई, ये ओसीडी की आदत है। इसको स्टॉप करके नॉर्मल हम खाने पीने लग जाएंगे तो दूसरी आदत बन जाएगी। तो इस पैटर्न को स्टॉप करना होगा ना जी। स्टॉप कर लोगे आप मेरे को कॉपी करना जी। अब 2 दिन आपने क्या करना है? आपको कॉपी करना है, कॉपी करना पूरा, फिर पेस्ट कर देना घर पे जाके। कॉपी पेस्ट की भाषा तो आपसे ज्यादा कौन जी, समझता जी, है तो प्रोग्रामिंग कर लो पहले। अब आपके दिमाग में ना वो कोडिंग चलती रहनी चाहिए कि इस बंदे को देख रहे हो और कोडिंग हो रही है, एल्गोरिदम बन रहे हैं और पुराने वो अनइंस्टॉल हो रहे हैं, बस ठीक है यही चलते रहना है जी। तो अभी लगता है ना कि मैंने ब्रश किया, फिर आपने ब्रश किया और मैंने खाना खा लिया तो आप भी खा लोगी, ठीक है चलो ये भी समस्या दूर हो जाएगी, वेरी गुड। क्योंकि जो इंसान ठीक हो सकता है वो हाँ भर लेता है, जो ठीक नहीं हो सकता उसका मन पहले गवाही नहीं देगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। आपका मन गवाही देगा तो इसका मतलब आप ठीक हो जाओगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। घबराहट तो नहीं हो रही ना, कोई विचार तो नहीं आ रहा, बस फिर तो नॉर्मल। आपको नहीं लगता आपको एक मार्गदर्शक की ही जरूरत थी? हाँ मुझे खुद को लगता है कि मतलब मुझको कोई समझाने वाला ठीक से हो जाए कि ये काम ऐसे नहीं होता, इस काम को ऐसे करना है, तो शायद मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ मतलब घर में और लोग भी करते पर मुझे उनकी बात समझ में। हाँ उन पर इतना भरोसा नहीं आता ना, उन पर भरोसा नहीं आता, बस यही है कि उन पर भरोसा, मुझे लगता है ये तो झूठ बोल रहे हैं ऐसा। हाँ वो अपने है ना, अपनों की बात उतनी नहीं समझ में आती जितनी बाहर किसी प्रोफेशनल की आती है जी। बातें वही बताएगा लेकिन उनकी बातों में असर होता है। हाँ, पापा जी वगैरह हाथ धोते तो बस इतना थोड़ा सा धो लेते, तो मैं सोचती हूँ पापा जी बस इतने से हाथ धोए, हाथ तो पूरे धोने चाहिए ना कम से कम।
अपना मन नहीं कहेगा पापा पापा है, हाँ। कोई दूसरा हमें सिखाएगा ना, हाँ। तो हम मान लेंगे, तो हम मान लेंगे। तो अब देखो कोई भी प्रिंसिपल हो स्कूल का, क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? अपने बच्चों को पढ़ा सकता है वो खुद? नहीं। हाँ, ना ही अपने बाल नहीं काट सकता ना। जी सर। तो वैसे ही घर वालों से हम ठीक नहीं हो सकते जी। हमें बाहर वालों की जरूरत पड़ती ही है जी। और बाहर कोई प्रोफेशनल है तो बहुत अच्छी बात मिल जाती है ना। तो अब आप निश्चिंत रहिए। तो अब देखो ठीक होने से आपको जो रोकेगा वो ओसीडी ही है जी। और ओसीडी किस फॉर्म में आता है वो देख लीजिएगा कि जैसे मैंने कहा समर्पण कर दो आप जी। अब आप मेरे प्रति प्रायण होना मतलब सरेंडर कर देना जी। मेरे प्रायण होना जी। ये आता है ना गीता में आता जी। है अर्जुन भी बहुत चूचा करता है गीता में करता है ना कि युद्ध नहीं करूंगा पाप लग जाएगा पुण्य हो जाएगा मर जाएंगे खप जाएंगे नरक में चले जाएंगे। तो युद्ध न करने के तरह तरह के लॉजिक देता है बहाने देता है ना। कृष्ण कहते हैं कि तू मेरे प्रायण हो जा जो मैं कहता हूं वो कर मेरे पर छोड़ दे जी। पाप पुण्य सब कुछ मैं देख लूंगा। तो वही फार्मूला आपने अपनाना है कि सरेंडर कर देना है जी। मुझे चाहे गुरु के फॉर्म में देख लो जी जी। एक काउंसलर डॉक्टर जी जी। जिस फॉर्म में आपको अच्छा लगता है उसी फॉर्म में इमेजिन करके समर्पण कर देना है जी। समर्पण में कमी आई फिर ओसीडी रह जाएगी। ओसीडी रोकती है वो कहेगी कि नहीं नहीं ये बंदा खतरनाक है जी। मरवा देगा। ओसीडी विचार तो भेजेगा ना लेकिन उन विचारों पर ध्यान नहीं देना जी। बस समर्पण कर दो। क्या समझे जी? समर्पण करना है। पहली शर्त क्या है? समर्पण करना है पूरी तरीके से जो आप बोलोगे वैसा करना है। तो इसके लिए रेडी हो जी। और दूसरी बात ये कि अपनी बुद्धि नहीं लगाओगे जी। कि क्या सही क्या गलत जी। ये नहीं बुद्धि लगाओगे जी। क्योंकि आता ना कि ये सही है ये गलत है इससे मैं बीमार हो जाऊंगी इससे ये हो जाएगा फ्यूचर में भागेगी। नहीं है मुझे बीमारी का डर नहीं है बीमारी का या फ्यूचर में गंदगी फैल जाएगी हाँ। बाद में कुछ हो जाएगा हाँ। ये फ्यूचर में नहीं जाओगे बुद्धि फ्यूचर में नहीं लगाओगे वर्तमान में रहोगी इसी वक्त में। बुद्धि लगाना अर्थात फायदा नुकसान सोचते रहना अच्छा बुरा इससे ये होगा उससे वो हो जाएगा फ्यूचर में बार बार भागना बुद्धि है। बुद्धि तो बुद्धि नहीं लगाओगे जी। क्या समझे? बुद्धि नहीं लगाना हाँ फ्यूचर में नहीं भागोगी इसी पल में रहोगी आज इस कमरे में हो इस कमरे से बाहर दुनिया नहीं है जी। आपकी दुनिया ये कमरा है जी सर। इस कमरे से बाहर कुछ भी नहीं है सत्य नहीं है सत्य। जब बाहर चले गए तो ये कमरा नहीं है जी। जिस जगह पर हो उसी जगह में खो जाना है जी। आप तो हमेशा फ्यूचर में रहती हो जी। घर में होती हो तो बाहर की चिंता रहती है बाहर की चिंता रहती है। वर्तमान में कभी रही हो इन सालों में? तो देखो ओसीडी हमेशा फ्यूचर में भगाता है। अब आपने फ्यूचर काट देना है सिर्फ और सिर्फ इसी पल में प्रेजेंट में रहना हाँ। अब घर की चिंता हो रही है कि घर पे कैसे करूंगी? नहीं वो चिंता नहीं हो रही। हाँ तो ये बुद्धि नहीं लगानी है नहीं। कि यहाँ तो मैं सब कुछ कर लूंगी सर घर पे वो घर अगर मैं यहाँ कर लूंगी तो मैं घर पे भी करी हाँ कर ही लूंगी ये भी बात है घर पे जाएंगे तब घर का कर लेंगे। अभी यहाँ पर घर को क्यों लेके आना? यहाँ पे घर को क्यों लेके आना? हाँ जो है उसी में डूबना है ना। जैसे आपा खाना खाते हैं तो आज खा लेते हैं कल की सोचते हैं अभी 10 दिन बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा सोचते हाँ। तो ऐसे ही आज का ही सोचना है आज का ही सोचना है इसी पल का ही सोचना है। ओसीडी हमेशा फ्यूचर में भागती है जी। ओसीडी वाले सोचते ही फ्यूचर में हाँ। हाँ उनकी ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है और यही दिक्कत उनको ठीक नहीं होने देती। तो आपने अब इसी पल में रहना है विचार जाएगा तो मुझे बता देना कि सर मेरा मन भाग रहा है फिर मैं उसको वापस ले आऊंगा। ऐसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना जी। मन बिगड़ गया है तो उसको ठीक करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए ना जी। एक दिन में तो नहीं होता ना कुछ समय लगेगा ना और सही प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक हो ही जाएगा। गलत प्रैक्टिस से ये मन बिगड़ा है तो अब सही प्रैक्टिस से ये सुधरेगा। तो प्रैक्टिस तो हमें करनी ही होगी। तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा आराम आराम से चलेंगे दौड़ेंगे नहीं एक दिन में हीरो नहीं बनना होता। धीरे धीरे प्रैक्टिस से बात बन जाएगी आपको पूरी दिशा मिल जाएगी सब कुछ आप करोगे ठीक है। तो दो बातें समझ में आ गई जी। दो बातें कौन कौन सी? एक तो पूरी तरह आपको समर्पण करना है दूसरे आप जो बोलो वो सारी बातें माननी है मुझे हाँ। और तीसरी बात फाइनल बात कि आप कभी एक्शन करोगी सोचोगी नहीं हाँ जैसे ही मैंने कह दिया कि ये कर लो तो उसी वक्त कर देना है। सोचना नहीं है कि
अगर आप डिले कर दिया ना, रिएक्शन टाइम डिले हो गया, फिर दिक्कत हो जाएगी। इस चीज को एक्सप्लेन कर दो, मतलब कि मतलब जैसा मैं सोचती हूँ वो गलत है, बिल्कुल गलत है, वो सारा मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। मुझे एक्सप्लेन हो जाएगा तो शायद मैं आपकी सारी बातें मान लूंगी। 100% ये मेरा वादा है। एक बार एक्सप्लेन अच्छी सारा एक्सप्लेन कर दीजिए, ये चीज कि जो मैं सोचती हूँ वो गलत ही है, वो कचरा है, वो कचरा है, वो पूरी तरीके से वो बर्बादी का है। मालूम है ये कचरा है, मुझको ये मालूम है ये कचरा है, पर ये मेरा मन नहीं मानता। बस मन मानेगा, देखो माइंड मानता है इस बात को कि मैं कर रही हूँ जो गलत कर रही हूँ, मुझको ऐसा नहीं करना, क्योंकि पर मेरा मन नहीं मानता उस चीज को। दो प्रकार के मन होते हैं, चेतन मन अचेतन मन। जी सर, चेतन मन कहता है कि ये कचरा है, लेकिन